नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। यूपी में धर्मांतरण का खेल खेलने वाले मौलानाओं की काली कमाई को लेकर एटीएस ने बड़ा खुलासा किया, जिसमें पता चला है कि मौलाना उमर गौतम के पास अरबों की संपत्ति है। अपने इस रसूख के बल पर ये मौलाना गरीबों को निशाना बना रहा था, एक एक कर हजारों लोगों की धर्मांतरण के खेल में बलि चढ़ा रहा था। कैसे इन मौलानाओं ने अपना जाल बिछाया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में मौलानाओं ने धर्मांतरण का ऐसा खेल खेला कि हजारों गरीबों को अपने जाल में फंसा दिया। पहले उन्हें धमकाया, फिर पैसों का लालच दिखाया और फिर उनके धर्म की बलि चढ़ा दी। लेकिन ज्यादा दिन इन मौलानाओं का ये गंदा खेल यूपी में नहीं चल सका। यूपी पुलिस और एटीएस ने तुरंत इन्हें धर दबोच लिया और फिर आगे सीएम योगी के आदेश पर इन गद्दार मौलानाओं पर एनएसए, गैंगस्टर और संपत्ति जब्त करने के तहत कार्रवाई शुरू हुई। जब एटीएस के शिकंजे में ये मौलाना आए तो पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। पहला ये कि मौलाना उमर गौतम ने 1000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण की बात कबूल ली। दूसरी बात संपत्ति का खुलासा। मौलाना उमर गौतम की कई जगहों पर अरबों की संपत्ति होने का पता चला है। अकेले गाजियाबाद में उसकी काफी अचल संपत्ति है। जिले के एक स्कूल में भी फंडिंग करने की आशंका जताई गई है। पुलिस स्कूल से जुड़े लोगों की कुंडली और बैंक डिटेल खंगाल रही है। उधर मौलाना के कनेक्शन खंगालने के लिए एटीएस जल जनपद भी आ सकती है। वहीं पंथुआ गांव में उमर की संपत्ति के सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस और एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि उमर के पास अरबों की संपत्ति कहां से आई। यूपी पुलिस के सूत्रों का कहना है, इस रैकेट को चंदे के तौर पर विदेश से भी फंडिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान और कुछ खाड़ी देशों से कुल रकम का एक बड़ा हिस्सा इनके पास आया था। यही वजह है कि अब जांच एजेंसी इस रैकेट के आईएसआई के साथ लिंक तलाश रही है। एजेंसियां उन बैंक खातों की पहचान करने की कोशिश में जुटी हैं, जिनसे इन लोगों को विदेशों से पैसा भेजा गया। जांच एजेंसियों को कतर से भी पैसे मिलने के सबूत मिले हैं। धर्म परिवर्तन के मामले में एक नहीं बल्कि दो संगठनों की भूमिका सामने आई है। जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। इस धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद यूपी की योगी सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि सरकार ने इस रैकेट से जुड़े आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट से लेकर एनएसए तक की कार्रवाई अमल में लाए जाने के आदेश दिए हैं। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरफ्तार मौलाना उमर गौतम की अरबों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। साथ ही इस मौलाना ने 1000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण की बात भी कबूल की है और दावा किया है कि उसने खुद दिल्ली के जामिया में इस्लामिक दवा सेंटर में 1000 लोगों को धर्मांतरण से संबंधित डॉक्यूमेंट जारी किए। अब एटीएस इस गिरोह की विदेशी फंडिंग की जाँच भी कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।